मेरा नाम देवेन है। ये शॉप मैंने 27 जनवरी 2000 में खोली थी और बेसिकली मेरे फोर फादर्स पाकिस्तान से हैं, रावलपिंडी से। तो यहीं मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, इसी घर में ही। हाँ, बाकी ये शॉप जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम होता गया तो सारा बिजनेस बिल्डअप होता गया। धीरे धीरे लड़का डिलीवरी वाला एक था, दो, तीन, चार, आज की डेट में 5 लड़के हैं मेरे पास जो डिलीवरी करते हैं मेरे यहाँ। क्योंकि अब धीरे धीरे टाइम ऐसा आ गया, डिलीवरी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस है और फुटफॉल तो है ही है, पर जैसे जैसे टाइम आता गया तो ये मतलब ग्रोथ आती गई। बिजनेस तो लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, 5 times 6 times इवन मोर ऐसा हो गया। और प्रोडक्ट शॉर्टेज स्टार्ट होगी क्योंकि जहाँ से भी प्रोक्योरमेंट होती है उनके तक सामान पहुँचता नहीं था और उनको वो आगे डिस्पैच नहीं कर पाते थे क्योंकि लेबर पहुँचती नहीं थी, काम होता नहीं था, हर जगह लॉकडाउन है, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत थी। तो उस दौरान मान लीजिए एक महीना ऐसा था कि हमें खुद जाके सामान लाना पड़ता था, बहुत कम डिलीवरी थी, हार्डली आई थिंक 5%। लोगों ने बाहर दो बैरिकेड्स लगा दिए, इनफैक्ट दो रस्सी अलग अलग पॉइंट पे ताकि कोई अंदर दुकान के आना पाए, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा डर का माहौल था और कैश लेने में बहुत दिक्कत थी क्योंकि पहले कैश आएगा फिर उसे देखो फिर। तो इसीलिए हमने पहले जो भी हम कैश लेते थे उसको सैनिटाइज करके बॉक्स में डालते थे जिसे हम नेक्स्ट डे यूज़ करते थे। बट हमारे पास फ़ोन पे था तो वो ऑप्शन हमारे को बहुत हेल्पफुल रही क्योंकि जितना भी टाइम जो भी कस्टमर्स थे तो वो सब ने, हम सबको स्कैन भेज देते थे तो सब ने घर से ही बैठे बैठे वो फ़ोन पे ही स्कैन करके पैसे हमारे अकाउंट में आते थे। तो बहुत हेल्पफुल रहा उस टाइम पे क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर हमारे ऊपर भी था, लड़कों के ऊपर भी प्रेशर था कैश लाएं, और तब लोग घर से बाहर, वो तो घर के बाहर ही कहते थे वहाँ छोड़ दो सामान बॉक्स में और आप जाओ हम पैसे। कम से कम ऐसे 50-60-100 स्कैन मेरे पास ऐसे ये वाले हैं मेरे पास। तो ये लड़के जाते थे स्कैन लेके घर तो उसको हाथ के, जैसे जिनके पास नहीं है या नए कस्टमर्स हैं क्योंकि लॉकडाउन में तो नए कस्टमर्स बहुत बने, तो लड़के जाते सबके पास स्कैन थे, ये सब इसमें मैंने इनको वो पैक में कर रखा था तो वो लेके जाते थे स्कैन और वहाँ हाथ का स्कैन करा और पेमेंट वहाँ से ले लेते थे। तो बिल्कुल स्मूथ था, कैश से फ़ोनपे का ट्रांजेक्शन बहुत स्मूथ था, बहुत ईजी था। इतना डेली कैश फिर रखो और क्योंकि काम जैसे मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तो उसने कि फ़ोनपे की तो बहुत हेल्प रही। आपको लोकल शॉप से ही शॉपिंग करनी चाहिए क्योंकि जैसे जैसे देखिए फर्स्ट लॉकडाउन, सेकंड लॉकडाउन, अब ये सेकंड वेव भी आई, मेरा ये मानना है कि दिल्ली में सेकंड वेव में शायद ही कोई घर, या मान लीजिए एक लाइन में अगर 15 घर आया तो 10 में पॉजिटिव लोग थे, तो उस टाइम पे तो कोई आया नहीं डिलीवरी करने, तो लोकल दुकानों ने ही और लोकल दुकानों के स्टाफ ने ही जाके डिलीवरी की, चाहे नीचे रखा चाहे बॉक्स में नीचे रख दिया, पेमेंट ऑनलाइन आई या अपना हमारी फ़ोनपे पे आई, पे पैसे वहाँ से आए। तो सपोर्ट तो हमने बहुत किया, कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पॉजिटिव नहीं है, उस घर में भी जाके डिलीवरी दी नीचे, इवन ग्रॉसरी मिल्क एंड एवरीथिंग सब कुछ पहुँचाया हम लोगों ने। बिल्कुल ये मैसेज है कि जब हमने उस टाइम पे सपोर्ट किया तो उनको हमें हमेशा सपोर्ट करना चाहिए।